हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे किसी भी बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है। आइए देखते हैं जनरल टर्म होती क्या है। जैसे अगर मैं ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करता हूँ तो क्या आता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में थ्री ए स्क्वायर बी प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ इस एक्सपेंशन की थर्ड टर्म क्या है तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये क्या है इसकी थर्ड टर्म टी थ्री, तो वो क्या है थ्री ए स्क्वायर बी। अगर आपसे पूछूं फोर्थ टर्म क्या है तो आप इजीली बता सकते हो फोर्थ टर्म ये है, ऐसी सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी की पावर 98 है, ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको ओपन करूँगा जो एक्सपेंशन आएगी उसकी 24 टर्म क्या आएगी या उसकी 58 टर्म क्या आएगी, तो वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है जनरल टर्म फार्मूला। आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास एक्सपेंशन है ए प्लस बी की पावर एन, इसकी जनरल टर्म का फार्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस्ट पावर एन माइनस आर और बी रेस्ट पावर आर। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेरे पास जनरल टर्म फार्मूला। आइए कुछ क्वेश्चन के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास थ्री वाई की पावर सेवन और आपसे पूछ ली जाएगी इसकी फिफ्थ टर्म क्या है, यानी कि जब इसको ओपन करूँगा तो उसमें पाँचवीं टर्म कौन सी होगी, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए है आपके पास, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके पास बी है, सी ऐसे ही आपके पास डी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं टी फाइव को इस फॉर्म में लिखूंगा, तो इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, टी फाइव को मैं टी फोर प्लस वन लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास फोर, और इसको इसके साथ कंपेयर करने पर एन की वैल्यू आ गई मेरे पास सेवन और ए की वैल्यू आ गई एक्स बाय थ्री और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के थ्री बाय। ठीक है दोस्तों, ये सभी वैल्यू इस फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, आइए देखते हैं। टी फोर प्लस वन, एन क्या है सेवन, सेवन सी फोर, ए क्या है एक्स बाय थ्री की पावर एन माइनस आर और बी रेज टू पावर आर। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, सेवन सी फोर को ओपन किया, सेवन फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल, सेवन माइनस फोर थ्री फैक्टोरियल, इसको ओपन किया एक्स बाय थ्री की पावर थ्री और इसको अलग अलग करके लिख लिया माइनस थ्री की पावर फोर, इसको ओपन कर लेते हैं फोर फैक्टोरियल तक, फोर फैक्टोरियल एज इट इज़ और थ्री फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन किया एक्स क्यूब और थ्री की पावर थ्री का होता है 27 और माइनस थ्री की पावर फोर क्या होता है 81 और वाई की पावर फोर। ठीक है दोस्तों, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कट गया, सताई थी एक इक्यासी, इस तीन से ये तीन कट गया, ठीक है दोस्तों, और दो तीय छः, सात इक्कीस और इक्कीस पंजे 105, एक्स की पावर थ्री और वाई की पावर फोर। तो ये क्या आ गया मेरा, ए क्या आ गया मेरा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे थ्री बाय एक्स क्यूब बाय सिक्स की पावर सेवन, इसकी पूछ ली जाए आपसे फोर्थ टर्म क्या होगी, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, ए है ये और बी है मान लीजिए ये और सी है तो राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले टी फोर को मैं टी आर प्लस वन की फॉर्म में लिखूंगा, टी फोर को मैं टी थ्री प्लस वन लिख सकता हूँ,
ठीक है दोस्तों, यहाँ इसके साथ कंपेयर किया तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, ठीक है दोस्तों, और एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, इसको इसके साथ कंपेयर किया ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है -x³/6। इन सभी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं T3+1=nCr a^3 a^n-r और b^r। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7c3 7 factorial over 3 factorial 4 factorial और 3^4 और यहाँ पे क्या बच गया माइनस, इसको अलग अलग करके ले लेते हैं -1^3 और x³/6^3। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व 7 factorial को 4 factorial तक ओपन कर लेता हूँ मैं, बटे में 3 factorial को ओपन कर लेता हूँ और 4 factorial एज इट इज़। 3^4 क्या होता है 81 और -1^3 तो ये क्या होता है -1, ये आगे आ जाएगा और इसको ओपन किया 3 × 9 और 6^3 क्या होता है 216। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ कट गया 3 × 6, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितने पे गया 3 पे गया, 27 × 81 3 × 7 = 3 × 6। ठीक है दोस्तों, 24 × 72 9 × 27 3 × 9 और 3 × 8 = 24। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर क्या बचा 7 × 5 = 35 35 × 3 = 105 x^9 और बटे में 8, तो ये क्या आ गया राइट आंसर। और आगे माइनस भी है, यहाँ माइनस भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास x³/2 − 2x² / 9, आपसे पूछ लिया जाएगा t4 फ्रॉम द एंड। ठीक है दोस्तों, ये फ्रॉम द एंड क्या है आइए देखते हैं। जैसे एक्सपेंशन है, जब मैंने इसको ओपन किया ये आया था, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से थर्ड टर्म क्या, तो आप कैसे देखेंगे 1, 2, 3। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब मैं इस एक्सपेंशन को ओपन करूँगा, मैं आपसे पूछूँ इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना क्या है, इसकी आपस में जगह रिप्लेस कर दो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो साइन के साथ। जैसे ये -k² / x² है, इसको आगे लिख लो, और ये +k³/2 है। ठीक है दोस्तों, \9 इसकी क्या करो t4 निकाल दो फ्रॉम द बिगनिंग, t4 इसका t4 फाइंड आउट कर लो, सिंपल वो क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। इसकी t4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको t3+1 लिखेंगे, फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/x² और b की वैल्यू क्या आ जाएगी x³/2। ठीक है दोस्तों, t4 फाइंड आउट करते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, t3+1 फाइंड आउट करना मुझे, nCr a^(n-r) और b^r। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, 9c³ = 9 factorial 6 factorial 3 factorial। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया -2/x² क्या आ गया 6, और इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x^9/8। ठीक है दोस्तों, इसको आगे 9 factorial को 6 factorial तक ओपन कर लेते हैं, डिवाइड बाय 6 factorial × 3×2×1। ठीक है दोस्तों, और -2^6 क्या होता है 64/x^6×12 और x^9/8।
ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये इसके साथ कट गया, 8 8 64, 3 3 9 और 2 4 8, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास और ये इसके साथ कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का और 3 आ जाएगा, 9 3 12, तो मेरे पास क्या बचा, 4 3 12 4 7 84 और 84 8 8 32, 3 8 64 64 3 67, 672 672, और नीचे क्या बचा एक्स क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अगर इस एक्सपेंशन को ओपन करता हूँ तो इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 3/2 x² - k 1/3 x^9, ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ लेगा इसकी फोर्थ टर्म, और आपसे पूछ लेगा इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए है 17/7/18 और माइनस के 7/18, 7/25 और 7/18 एक्स के, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आइए देखते हैं। तो करना क्या है मुझे, इसकी जगह रिप्लेस कर दो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो विद साइन, साइन क्या है -1/3x को आगे लिख लिया और इसको मैंने पीछे लिख लिया, ठीक है दोस्तों, की पावर 9। जस्ट इसकी फोर्थ टर्म निकाल दो फ्रॉम द बिगनिंग। इसकी फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, t4 को मैं t3+1 लिखूंगा, ठीक है दोस्तों, फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, n की वैल्यू क्या है 9 9c3 और a की वैल्यू क्या है, ये सारा a है मेरा, -1/3x^9 क्या हो जाएगा n-r, 9-3 और 3/2 x^3, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 से 3 को ओपन किया 9 factorial, बाय में 3 factorial 6 factorial, और ये आ गया -k 1/3 x^9, 9 में से 3 गया 6, और इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ 3/2 3 और x^3, ठीक है दोस्तों। 9 factorial को 6 factorial तक ओपन कर लिया, 9 × 8 × 7 × 6 factorial बाय में 3 factorial को ओपन कर लिया और 6 factorial एज इट इज़, और इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 6 x^6, ठीक है दोस्तों, और इसको भी ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 3 और बटे में 2 3, और ये आ जाएगा 3 × 6, काट लेते हैं, ये इसके साथ कट गया, ठीक है दोस्तों, 3 3 यहाँ पे और 3 6 यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा 3 3, ठीक है दोस्तों, और 2 3 क्या होता है 8, ये 8 इसके साथ कट गया, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास क्या बचा, लिख लेता हूँ साइड में 9 × 7, यहाँ पे ये बचा, और क्या बचा x^6, यहाँ x^6, ये इसके साथ कट गया, और बीच नीचे क्या बचा 3 × 2 × और क्या बचा मेरे पास 3 3, 3 3 क्या होता है 27, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 पे गया और 3 × 27, यहाँ पे क्या बचेगा 7/9 × 18, 7/18, तो 7/18 क्या है, 1 आ जाएगा मेरा राइट आंसर।